नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं शमशेर सिंह क्रांतिकारी हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। ऐसा है जो हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क कट गया है। हम दोबारा कॉल करने की अपील करेंगे। हमारे कई और ऐसे कॉलर है जो अपनी बात को इस मौके पर रखना चाहते हैं, क्योंकि देश का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, और इस विषय पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो किस विषय पर बोलेंगे। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। धिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या गठजोड़ की राजनीति, खास करके जो तीसरे मोर्चे की संभावना बनी है, वो इस देश के लिए कितनी सही है? क्या तीसरे मोर्चे की सरकारें इस देश को अब इस स्थिति में स्वीकारना कितना सही रहेगा? कॉलर के पास चलते। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। तीसरे मोर्चे की सरकार देश के लिए ठीक होगी या नहीं, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो देश के गृह मंत्री राजा भैया होंगे और देश के रक्षा मंत्री अकबरुद्दीन ओवैसी होंगे। जय हिंद। जब धन्यवाद। वो तो यहाँ पर एक ऐसी बात कही है, क्योंकि तीसरे मोर्चे में केवल नंबर ऑफ सांसदों की संख्या परिणाम कारक होती है। कौन कितना मोल भाव ज्यादा करता है, इस पर निर्भर है कि सरकार बनने में किसकी भूमिका, कितने सांसदों के साथ निर्णायक है। ऐसे में जो भी मांगा देना पड़ता है, क्योंकि वहां मोल भाव जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जनाब। क्या देश तीसरे मोर्चे का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार फिर तैयार है कि हर 6 महीने में नई सरकार और प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल यही होने जा रहा है। हेलो। हाँ क्या कहेंगे आप? कि तीसरा मोर्चा का एक एक्सपेरिमेंट अपना देश भारत क्या करने के लिए मेंटली और फाइनेंशियली तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा सामने आ रहा है चित्र। तो इसको क्या एक्सपेरिमेंट करके, वैसे जैसे दलदल की सरकार बनती थी हर 6 महीने में, 3 महीने में नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है क्या? बिल्कुल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ हाँ संदीप चौहान बोल रहा हूँ, धामपुर से। हाँ हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग देश के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है, वो तीसरे मोर्चे के बारे में सोचे। हाँ। और जो लोग देश के प्रति गंभीर हैं, वो इस के बारे में बिल्कुल ना सोचे। और जो देश से हमदर्दी रखते हैं वो बीजेपी को वोट करें, और जो देश को लुटवाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं, वो कांग्रेस को वोट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमको आखिर ये एक्सपेरिमेंट किस लिए करना है? बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट अपने क्षेत्रीय भावनाओं को उत्तेजित कराकर, उसके प्रलोभन दिखाकर उस राज्य से वोट प्रतिशत खींचा जाता है। शरद पवार महाराष्ट्र में माहौल बनाते हैं कि अगर आप मुझे ज्यादा सांसद देंगे, मेरे पार्टी को ज्यादा सांसद देंगे, तो मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। महाराष्ट्र को कभी अब तक प्रधानमंत्री नहीं बना, इसलिए महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मिले, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करिए। यही बात मुलायम सिंह अपने जगह पर कहते हैं, यही बात देवेगौड़ा कर्नाटक में कहते हैं, यही बात चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, यही बात कभी लालू भी अपने यहां पर कहते थे, अब नीतीश अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। क्या यही बातें क्षेत्रीय माहौल को गर्मा कर, क्या यही बातें क्षेत्रीय भावनाओं को उत्तेजित करवाकर, क्षेत्रीय भावनाओं को लालच दिखाकर नहीं खराब कर रही है? अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। नमस्कार। बोलिए। हेलो नमस्कार। हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? अरे सर जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग अमेरिका में भी देखते हैं। हाँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये अपनी गवर्नमेंट है वो अमेरिका का
जो अनुकरण करती है, तो उसके अनुकरण ये पॉलिटिक्स का क्यों नहीं कर रही है? इधर दो ही पार्टी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, उसकी तरह वो भाजपा कांग्रेस करे, वो छोटे पक्षों को बर्खास्त करे, ऐसा क्यों नहीं कर सकती है ये? अमेरिका का वॉलमार्ट उधर लाती है सबको, अपनी पॉलिटिकल जो अपनी वो है वो इमेज उधर क्यों नहीं जा सकती है जो दूसरा अनुकरण करती है? मैं यही कहना चाहता हूँ सर जी। बिल्कुल धन्यवाद। अमेरिका में दो राजनीतिक दल है, वहां पर द्विपक्षीय संसदीय पद्धति है, और जो भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है वो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन पार्टी में से किसी एक के साथ जुड़ सकता है, अपने गुट के साथ व्यक्तिगत या कुछ भी, किसी भी स्थिति में उनको इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ना जाना पड़ता है। और द्विपक्षीय लोकतंत्र वहां पर है, वही अमेरिका का एक बहुत बड़ा पावरफुल देश होने का कारण भी है। वहां पर हर 3 महीने में प्रधानमंत्री नहीं बदलते, वहां पर नीतिगत निर्णय पार्टी बदलने के बाद भी नहीं बदलते। हमारे यहाँ पर पार्टी बदलना तो दूर, एक ही पार्टी के 2 मंत्री अलग अलग नीतिगत निर्णय पर अपनी राय रखते हैं और उसको आग्रह के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। सर मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ द्वारका दिल्ली से। बोलिए सर, ये थर्ड फ्रंट तो बिल्कुल होपलेस है, हम 3 चांस पहले देख चुके हैं, इसमें कंट्री का सत्यानाश ही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आउटसाइड सपोर्ट है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको भी बंद कर देना चाहिए। बस यही मेरी एक। धन्यवाद। ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि ऐसे खेल को, तमाशे को और नौटंकी को तो घटनात्मक दुरुस्ती करके संविधान में बदलाव करके बंद करना चाहिए, कि यह नौटंकी इस देश के हित में नहीं है और इसको करने का, खेलने का, तमाशा करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को केवल इसलिए आधार पर नहीं दिया जा सकता कि उसके पास चंद सांसद है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं धर्मचंद शर्मा भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में मुलायम लालू जैसे नेता हैं, ये सीबीआई इनके पीछे लगी हुई होती है तब ये कांग्रेस को समर्थन देते हैं, और तब जांच बंद हो जाती है तो समर्थन वापसी की बातें करते हैं। सीबीआई का मतलब जिन दिन बाहर निकलाता है, अब ये स्वयं प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का काला धन जो बाहर विदेशों में जमा है वह कैसे वापिस आएगा, और आगे ये देश का बेच भी देंगे। इन जैसे नेताओं को मतलब देश की चिंता नहीं है, मैं और किसी अपने क्षेत्र की इनको चिंता है, ये बस अपने हित, अपने खुद घर के हित के ही लिए मतलब वोट मांगते हैं दुनिया से और वोट लेते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं शमशेर सिंह क्रांतिकारी हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये तीसरे मोर्चे की जो सरकार जो देश के अंदर बनाने की बात कही जा रही है, ये देश को जो है पीछे धकेलने की बात कही जा रही है, कुछ महत्वाकांक्षी जो लोग हैं राजनीतिक लोग वो अपनी छवि को सुधारने के लिए ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के अंदर कि चाहे कोई आके मुझे गोली मार दे, चाहे कोई आके मुझे गोली मार दे, खाल मेरी जिंदा ही यहाँ उतार दे, चीख चीख कर यही ऐलान करूंगा, सच्चाई की बात सरेआम करूंगा। नेताओं को वोटों का विधान चाहिए, डाकुओं को संसद में स्थान चाहिए, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कोई नहीं जिसे हिंदुस्तान चाहिए। जातिवाद का चढ़ा इतना उफान क्यों, क्षेत्रवाद का जहर इतना गुमान क्यों, लूटपाट जुल्म कत्ल भ्रष्टाचार क्यों, हाय हाय चीख शोर हाहाकार क्यों। हाँ जी, हेलो। बिल्कुल, जारी रखिए। इन सभी कुचालों का नकाब एक है, इन सभी सवालों का जवाब एक है, राजनीति नंग से निहंग हो गई, कुर्सियों की कुर्सियों से जंग हो गई, और व्यक्ति आज देश से महान हो गया, नीतियां अपंग अंग भंग हो गई, और आज मेरे देश को प्रकाश चाहिए, राजनीति को नया विकास चाहिए, गांधी के स्वराज्य राम राज्य के लिए एक राष्ट्र भक्त राष्ट्र दास चाहिए, और आज मेरे देश को सुभाष चाहिए, आज मेरे देश को सुभाष चाहिए, जय हिंद। वाह, सुभाष बाबू का नाम यहाँ पर याद किया गया तो इतिहास को याद करना जरूरी है। इस देश में हमेशा राजनीतिक शक्ति जिसके पास है, जिसके पास सांसदों की संख्या है, जिसके पास कोई गांधी जैसा गॉडफादर है, वही प्रधानमंत्री बना है, इस देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाला। इस देश में इतना बड़ा शासन अंग्रेजों का होने के बावजूद उसके विरुद्ध सेना खड़ी करके इस
ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध करने वाला नेताजी सुभाष बाबू जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसको निर्वासित तरीके से या उसके मृत्यु को एक रहस्य बनाकर इस देश से दूर रखा जाता है। सुभाष बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन सके, नेहरू बने। नेहरू के समय भी इस देश में दूसरा विकल्प उपलब्ध था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया। उनके पास तो सांसदों की भी संख्या थी, लेकिन हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि कभी यहाँ पर कोई राजनीतिक मसीहा सर्वा सर्वे होकर बैठता है और लोगों की मत आकांक्षा और विचारों को दूर कर अपने विचार को थोपता है, या फिर कोई ऐसा कठपुतली बैठता है कि जो सांसदों के दौर के ऊपर अपना तमाशा खेलने के लिए तैयार रहता है। क्या ऐसा ही देश चलेगा? इस देश को कभी तो अपने इच्छा अपेक्षा के अनुसार इस देश का सेवक प्रधानमंत्री बनेगा? कलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, जी सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर, मैं तीसरे मोर्चे के लिए यही बोलना चाहूंगा कि फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में कामयाब नहीं है। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। मुलायम सिंह की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक रही है। जिस वादों के साथ, अपेक्षाओं के साथ लोगों ने इनको सत्ता पर बैठाया, उसके बाद उनकी खुद की स्थिति जितने सांसद थे उससे कम होने के जगह पर आ गई है। ऐसे में मुलायम सिंह के पास भी प्रधानमंत्री का झुंझुना उत्तर प्रदेश को दिखाने के सिवा कोई चारा नहीं है। कानून व्यवस्था का आश्वासन हो या देश राज्य को बिजली सड़क पानी देने की बात हो, वहां पर मुलायम सिंह सही साबित नहीं हुए। ऐसे में सबसे आसान तरीका है कि राज्य को एक अस्मिता की जागृति करके प्रादेशिक भावनाओं के आधार पर प्रधानमंत्री का गाजर दिखाया जाए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, प्रणाम। मैं राजकमल बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ सर, तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग, इससे जो है ना सरकार अपने फैसले अच्छे से नहीं ले पाएगी। अगर ये लोग चाइना के विरुद्ध कुछ करना चाहेंगे तो लेफ्ट वाले टांग खींचेंगे, अगर ये पाकिस्तान बांग्लादेश के विरुद्ध कुछ करना चाहेंगे तो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला मुलायम सिंह सामने आ जाएगा। इसलिए देशवासियों को एक एकल पार्टी की सरकार को ही लेके आना चाहिए, ना कि ये मिली जुली सरकार, तीसरे मोर्चे की सरकार। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है देश के हित में। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात याद ने की। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इस ऐसी राजनीति का ना केवल राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक विषयों पर परिणाम होता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे दलों के बहुत ही तुच्छ स्वार्थ के लिए विदेश नीति पर भी परिणाम होता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लेफ्ट कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना वोटों का बाजार उनसे सजाया हुआ है और वो बाजार की मंडी इनको मोल भाव कर सांसदों की संख्या यहां मोल भाव करने के लिए देती है। मुलायम सिंह पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं। तमिलों के विषय को उठाकर श्रीलंका के खिलाफ बोला जाएगा। और भी कई ऐसे राजनीतिक दल है जो क्षेत्रीय भावनाओं को विदेश राजनीति पर भी भारत सरकार पर हावी करते हैं।